हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं मूली के स्वादिष्ट पराठे। चार मूली लिया है, उसको घिस लिया है। अब उसमें थोड़े से मूली के पत्ते, अजवाइन, नमक मिक्स करके 15 मिनट के लिए रख देंगे। अब पराठे बनाने के लिए हमने 2 कटोरी आटा लिया है। स्वाद अनुसार नमक डाल लिया है, उसमें 2 चम्मच तेल डाल दिया है। आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंथ लेना है, फिर उसको 10 मिनट के लिए रख देना है साइड में। मूली के पेस्ट को जो साइड में रखा था 15 मिनट के लिए, अब वो उसमें से अच्छी तरह से पानी निचोड़ के निकाल देना है। मूली के पेस्ट को अब निचोड़ लिया है, अब उसमें हल्दी, हरा धनिया काट के ले लिया है, हरी मिर्ची ले लिया है 2-3, और थोड़ा सा नमक ले लिया है स्वाद अनुसार। अब उसको अच्छी तरह से मिला लेना है। अब हमारा मूली का पेस्ट तैयार हो चुका है। जो आटा गूंथ के रखा था, अब उसका छोटा छोटा लोई बना लेना है। अब आटे के लोई को थोड़ा सा बेल लेना है पूड़ी जैसा, फिर उसमें पेस्ट भर कर अच्छी तरह से पैक कर देना है। अब उसको रोटी के तरह बेल लीजिए।
अब आप पराठे को घी या तेल लगा के सेक लीजिए। अब हमारे स्वादिष्ट मूली के पराठे तैयार हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें।